बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे। वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड न्यूज़ में। दोस्तों बहुत ही अहम खबर लेके आते हैं, तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, कहीं से हमें सुन रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को लाइक करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा साथ जुड़ा रहेगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि दुबई की फ्लैट्स ओपन है, पाकिस्तानियों के लिए मुबारक हो, तो आज हम इस मौजू पर बात करने वाले हैं। टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। देखिए हम आपको बताते हैं कि 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक पाकिस्तानियों के लिए फ़्लैट्स ओपन हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को हम यही बता रहे हैं कि आप लोग कोरोना की डोज़ मुकम्मल करें और अपना सर्टिफिकेट बनवा लें नादरा से मंजूर शुदा, और आप लोगों का जो कोरोना का टेस्ट है वो 48 घंटे का लाजमी होना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं इंडिया की जो है सिचुएशन है वो यही है कि इंडिया की भी फ़्लैट्स ओपन होने जा रही है 1 अगस्त से, सेम जैसे पाकिस्तान की फ़्लैट्स ओपन होगी सेम इंडिया की भी इसी तरह होगी। बहुत से लोग सऊदी अरेबिया के यहाँ सवाल भी करते हैं, सऊदी अरेबिया की इंशाल्लाह 3 अगस्त से सऊदी अरेबिया के भी फ़्लैट्स ओपन हो जाएगी। अगर आप सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो चुका है, सऊदी अरेबिया ने भी फ़्लैट बंद की हुई थी, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के लिए भी बंद की हुई थी, और इन ममालिक के लिए जो एशियन ममालिक हैं इनके लिए फ़्लैटें बंद की हुई थी, लेकिन अभी बहुत टाइम हो चुका है क्योंकि सऊदी अरेबिया में 7-8 महीने हो चुके हैं और दुबई में जो पहले 3-3 महीने हो चुके हैं और ये 4th महीना चल रहा है, लेकिन अभी ज़्यादा टाइम नहीं गुजरेगा, जल्द ही फ़्लैट्स ओपन हो रही हैं। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जो वीज़ा होल्डर लोग हैं उन लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट होती है हमेशा की तरह कि आप अपनी कोरोना की डोज़ मुकम्मल करवाएँ और अपने जो रिक्वायरमेंट हैं जो दुबई ने आपको बोला है वो डोज़ आप लोग ज़रूर लगवाएं, और उसके बाद आपके पास कोरोना का जो टेस्ट है वो 48 घंटे का होना चाहिए, इससे ऊपर का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप इन बातों पर ज़रूर अमल करें तो इंशाल्लाह आप लोगों को जल्द ही टिकट भी मिल जाएगी और आपकी बुकिंग भी हो जाएगी। किसी भी एयरलाइन से आप बुकिंग करवाएंगे तो आप लोग को जल्द ही इन चीज़ों पर आप अमल करेंगे तो आप लोगों को फ़्लैट्स की टिकट भी मिल जाएगी और आपको दुबई आने की इजाज़त भी मिल जाएगी। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना।